हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, हम आए आपके सामने एक न्यू जॉब डिटेल लेकर कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निकली है प्रखंड व पंचायत स्तर पर सीधी भर्ती के लिए 6020 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसको आप कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 15 मई 2018। यदि आप 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या और कोई आपके पास डिग्री है तो आप इसको कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन। तो जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जीवन सुरक्षा अभियान योजना के लिए जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपकी जो प्रोत्साहन राशि है, मींस इनकम है, वो 5,250 से 22,750 रुपये प्रति माह रहेगी। कुल रिक्तियों की संख्या जो दी गई है वो 6,020 रुपये दी गई है। पोस्ट डिटेल की बात करते हैं तो जिला शाखा प्रबंधक पद पर जो है आपके पास पीजी या एमबीए अथवा 5 वर्षों का जो है अनुभव होना चाहिए। जिला सुरक्षा अधिकारी के लिए आपके पास बीई, बीटेक, डिप्लोमा और 3 वर्ष का अनुभव। प्रखंड अधिकारी के लिए आपके पास पीजी और इसके समकक्ष को योग्यता और 4 वर्ष का अनुभव। उसके साथ पंचायत अधिकारी के लिए आपके पास पीजी और उसके साथ साथ आपके पास 2 वर्षों का कार्य अनुभव। टेक्नीशियन पद के लिए आपके पास आईटीआई या अन्य ग्रेजुएट और 1 वर्ष का अनुभव। प्रखंड पर्यवेक्षक पद के लिए आपके पास जो है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए 1 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ। प्रखंड प्रभारी के पद पर आपके पास 10+2 पास होना आपका अनिवार्य है। पंचायत प्रभारी के पद के लिए भी आपका 12th पास होना अनिवार्य है। पंचायत सर्वकर्ता के लिए आपका 10th पास होना आपका अनिवार्य है। उम्र जो है आपकी 1/1/2018 को काउंट होगी। जनरल के लिए 40 साल, ओबीसी के लिए 46 साल, ओबीसी महिलाओं के लिए 47 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 46 साल की उम्र इसमें रखी गई है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका होगा पहले रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि आपका 10th और 12th लेवल का होगा, जो आपके 100 अंकों का होगा और अवधि 2 घंटों की इसमें होने वाली है। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसमें आपके सामान्य ज्ञान व अन्य विषय संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको 45% अंक प्राप्त करने होंगे। मिनिमम आपको जो सेकंड इसका एग्जाम है, जो कि आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको सम्मिलित होने के लिए आपको 45% अंक प्राप्त करने होंगे। इंटरव्यू में जो रेशो रहेगा वो 1:5 का रहेगा, मतलब एक सीट पर 5 व्यक्तियों को जो है बुलाया जाएगा। इसमें जो आपकी जितनी भी आयु सीमा है, शैक्षणिक योग्यता है, प्रशिक्षण है, उनकी जो तिथि है वो 1 जनवरी 2018 को काउंट होगी। इसके लिए फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कि 31 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि इसकी वेबसाइट है ubharfoundation.in पर जाकर आप इसको भर सकते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगी इसकी लिंक। उसके साथ साथ यदि आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 250 रुपये, यदि एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो 150 रुपये आपको इसमें फीस देनी होगी। फ्रेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जाना चाहिए। यदि एक से अधिक भरते हैं तो वो सभी आवेदन पत्रों को जो है अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 10वीं बोर्ड की जो आपकी मार्कशीट है उसके हिसाब से ही सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। जितनी भी आपको छूट मिलेगी वो आप इसकी वेबसाइट, जो बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। यदि आपको आवेदन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ubhar.india.gov@gmail.com पर लिखकर भेज सकते हैं, जो आपको कोई भी समस्या अगर आती है फॉर्म भरने में। तो फ्रेंड्स ये थी भर्तियों से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।